हेलो मेरे प्यार बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब, उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हाजिर है फिर से एक मजेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में नरेशन के दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं और ये दो ऐसे टॉपिक हैं जहां से बोर्ड एग्जाम में आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यूं समझिएगा कि 90% क्वेश्चन आपके इन्हीं दो टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं एक तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और दूसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना, क्योंकि सबसे ज्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखो भैया, सबसे ज्यादा यही पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। भाई अब आप जीरो से हीरो बनने के काबिल हो गए हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे फिनिश हो गया है। अब जो बचा हुआ है ये है, यही सबसे ज्यादा दमदार है, क्योंकि इसमें भाई आप थोड़ा एक्स्ट्रा चीज दिमाग में नहीं रख सकते हो कि इधर उधर कर दिया छाप दिया, नहीं ऐसा नहीं है, समझना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं भाई। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों एक्सक्लेमेटरी मार्क। देखिए एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, जो विस्मय सूचक सेंटेंस यानी वाक्य, जो विस्मय सूचक वाक्य होते हैं। विस्मय सूचक का मतलब जिससे आपके अंदर यानी जो फीलिंग्स होती हैं भावनाओं को प्रकट करें, लाइक दैट जिससे आश्चर्य हो गया, खुशी हो गया, गम हो गया, तो ये सब चीज क्या है, विस्मय सूचक। और इनको पहचानने की सबसे अच्छी भाई टेक्निक यही है कि इसमें ये एक्सक्लेमेटरी मार्क ही लगा होता है, यानी इसको जो इस तरह से लिख के यहाँ पे मतलब ऐसे बनाकर नीचे बिंदी हो जाती है, इसी को बोलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह, तो इनकी पहचान आसान होती है। तो चलिए देखते हैं भैया। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो जाए जनाब, तो हो जाए ओह, आह, ओहो, एलस या फिर हुर्राह, ये सब आ जाए सेंटेंस में, आ जाए आह, उई, ओहो, ठीक है, ये सब आ जाए, यानी आपके अंदर जब ये ऐसी आवाज निकले, ठीक है ना, तब क्या होता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ऐसे केसेस में भैया क्या करते हैं हम, इनडायरेक्ट बनाते समय करते क्या है बच्चों, तो सेट या सेट टू को अपन बदल देते हैं किसमें, एक बस एक चीज बताएंगे, बस आप इतना याद रखना भाई कि इसको किसमें बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड, किसमें बच्चों, एक्सक्लेम्ड, बस खत्म। या फिर जैसा रहे उसके अनुसार, जैसे ओह है तो समझो दुख अगर बात है, तो ये जैसे आ गया एलस आ गया, जैसे दुख आ गया भाई, यहां पे एलस आ गया दुख, ये है हुर्राह खुशी है, ठीक है, आह ये भी मतलब थोड़ा दुख प्रकट कर रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद सारो, जहां भाई जहां क्या है आश्चर्य हो जाए एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, जहां दुख हो जाए एक्सक्लेम्ड विद सारो, जहां खुशी है जैसे हुर्राह तो भाई वहां पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर सब कुछ साइड रखिए बच्चों, इतना याद रखना कि केवल और केवल सिड या सेटू को अपन एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे, यहां विथ जॉय, विथ सरप्राइज, विथ सारो लिखने की जरूरत ही ना है। और जो ये कंजक्शन होता है यानी सेंटेंस को जब जोड़ते हैं तो उसके लिए जो कंजक्शन होता है वो उस किसका प्रयोग करते हैं, दैट, और ये जो होते हैं आह उई आह, ठीक है, ये सब हट जाते हैं। ठीक है भैया, ये जो आपके ओह है, एलस है, हुर्राह है, ये सबके सब, ये सबके सब क्या होते हैं, हट जाते हैं, याद रखना भी हट जाते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना, बाकी कुछ नहीं है भैया, आसान है, अब आप इसको मसल कर रख दोगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ भाई, हमारा एग्जाम्पल जो है देखिए क्या है, ध्यान से पढ़िएगा भाई, क्या बोल रहा है कि ही सेड, उसने कहा हुर्राह वी हैव ऑन द मैच, हम मैच जीत गए, मतलब भाई कोई दुख के मारा तो कहेगा नहीं कि हम मैच, ऐसे बोलेगे यार आज मैच जीत गए, ऐसा तो कहेगा नहीं ना, कहेगा यार हम तो मैच जीत गए, ओहो मैच जीत गए, बस नाचो गाओ इंजॉय करो भाई। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले भाई 17 सालों के बाद ट्रॉफी आई है T20 वर्ल्ड कप की, तो भाई वहां पर तो पूरा देश नाच रहा है, पूरा देश खुशियां मना रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आ गया भाई क्या चीज, हमने बताया हुर्राह आ गया, तो ये जॉय वाला है भले, लेकिन एक्सक्लेम्ड में जॉय नहीं बदलना, हमने क्या बताया सेड या सेटू को ओनली एक्सक्लेम्ड में, तो ही
क्या करेंगे भैया? exclaimed, exclaimed का मतलब ही होता है भाई पूरा का पूरा यहाँ विस्मयता को दर्शाता है, ठीक है? He exclaimed. अब इसको जोड़ने के लिए रसगुल्लों क्या बताया भाई हमने? कंजक्शन दैट का प्रयोग यानी संयोजक दैट लगाएंगे, ही exclaimed दैट। अब बताया ना, इसको हटा देते हैं, इससे नहीं मतलब भैया, इसको हटा देते हैं, फिर उसके बाद दैट। अब वी हैव ऑन द मैच, हम मैच जीत चुके, वो कह रहा है कि हम मैच, तो अकेला तो वो मैच खेलेगा नहीं भाई, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा? दे। अब उसके बाद हैज हैव, हमने बताया ना कि ये हैव है प्रेजेंट की बात, जब किसी को बताया जा रहा है तो भाई पास्ट में जाएंगे। दे हैड, क्या हो जाएगा? ऑन द मैच, ठीक है ना? आसान आसान है भैया, एकदम आसान है रसगुल्लो। जैसे अगला है रमेश सेड, रमेश ने कहा एलश, ठीक, he is no more, एलश का मतलब होता है दुख प्रकट करना, यानी दुख, भारी दुख हो जाए, तो कहा कि he is no more, कि वो अब नहीं रहा। भाई आप किसी को दांत निकाल कर तो कहोगे नहीं कि अरे यार वो मर गया, तो वो भी दो चार खींच कर दे देगा, कहेगा इसमें दांत निकालने की, दांत दिखाने की क्या जरूरत है भाई, कोई मर गया है तो यहाँ पर खुशी होने की क्या बात है। तो ये दुख को प्रकट कर रहा है, तो exclaimed with sorrow भी, मतलब exclaimed with sorrow भी आप लिख सकते थे सेड से टू को, बट हमने कहा ना केवल यही लिखो भैया, क्या हो जाएगा? रमेश सेडियस सेट्टू को ओनली बताया कि exclaimed लिख दीजिए बस, कुछ नहीं, exclaimed भी सारो जो आया कुछ भी नहीं लिखना, केवल exclaimed, exclaimed हो गया। अब उसके बाद ये कंजक्शन अपन क्या लगाएंगे? दैट। अब एलस वगैरह हमने बताया ना ये सब हट जाते हैं। अब उसके बाद ही इज नो मोर, कौन कह रहा? रमेश कह रहा है कि ही इज नो मोर, कि वो अब नहीं रहा, तो भाई कौन नहीं रहा? वह नहीं रहा। अब वह किसकी बात कर रहा है? कोई भी हो सकता है, तो यहां पर भाई ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, तो ही है तो ही रहेगा। ही अब की बार भाई इज ए मार है, वाज वेयर हो जाए, ही वाज नो मोर, ठीक, क्योंकि वह नहीं रहा तो कौन, किसकी बात कर रहा है? तो भाई नहीं पता है, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए ये नहीं बदलेगा, ठीक है? क्योंकि अगर ये जाएगा भी तो रमेश के पास, रमेश भी तो लड़का है, ये लड़का कह किसी को रहा है, ठीक, इसलिए इसमें बदलेगा नहीं। आगे देखिए, कह रहा सुधा सेट्टू में, सुधा ने मुझसे कहा आहा आई हैव ऑन, मतलब वेल डन, हमने बहुत अच्छा किया, हमने बहुत अच्छा किया, किसने कहा भाई? सुधा ने कहा। तो हम करेंगे क्या भैया, क्या करेंगे? सुधा सेडिया सेट्टू को एक्सक्लेम्ड, सुधा एक्सक्लेम्ड मी, या फिर आप सुधा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय आप लिख सकते थे, बताया ना भैया, तो सुधा एक्सक्लेम्ड मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे रसगुल्लो? दैट। अब इसका तो भाई ये हटा देते हैं, हम, हमने अच्छा किया, कौन कह रहा है भाई? सुधा बोल रही है कि सुधा ने मुझसे कहा कि हमने अच्छा किया, किसने? हमने नहीं, सुधा ने कहा, यानी सुधा अच्छा कर रही है, तो भाई ये क्या है? तो ये लड़की है, यहां पर आए भाई लड़की है सुधा, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हैज हैव किस में बदलेगा भैया? हैड में बदलेगा। सी हैड डन वेल, बस टाटा बाय बाय, खत्म कहानी भैया। तो ये कितना आसान है, अब तो आप समझ जाओगे ना बच्चों कि इस तरह से आए तो अपने को क्या करना है। रसगुल्लों आपके सामने है, ध्यान देना भाई, जो इस ये एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला होता है, जो भी ये वर्ड रहेगा ये सब हट जाता है। सेड या सेट्टू को एक्सक्लेम्ड में केवल बदल देना है, कंजक्शन दैट लगाना है, बस खत्म, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं भैया आपके, मतलब और भी एक्सक्लेमेटरी जो होते हैं, ठीक है? मतलब ये तो एक टाइप का हो गया, अब आपका एक और होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक टाइप का और होता है हाउ या व्हाट से शुरुआत हो, और उसमें क्या होता है, लास्ट में आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा, तो केवल इतना याद रखना है। देखिए ये वाला भाई, वो पहला हो गया, तो ये दूसरे टाइप का है। यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हाउ या व्हाट से हो जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे? किससे बताया, याद रखना बच्चों, हाउ से हो या व्हाट से हो, और ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा भाई, पीछे जाने की जरूरत नहीं, बस आप नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसके नेक्स्ट ईयर का देख लीजिए, या फिर 2024 का देख लीजिए, मिलेगा भैया, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो यहां पर अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, यानी जिसमें जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, उसकी शुरुआत हाउ या व्हाट से हो जाए, लाइक दैट, जैसे, ये देखिए हाउ है व्हाट है, ऐसे अगर हो तो करते क्या है, इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को याद रखना, इसमें भी क्या बदल देते हैं, एक्सक्लेम्ड में भी, ठीक, ये भी एक्सक्लेम्ड में ही बदल जाएगा, सेड या सेड टू को
एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे भैया, कंजक्शन दैट ही लगाएंगे। अब उसके बाद हाउ या व्हाट ए को इसमें किसमें बदल देते हैं, वेरी या फिर ग्रेट में, वेरी या फिर ग्रेट में बदल देते हैं। जहां जैसा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वेरी या ग्रेट लगेगा, जैसे भी एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया कि भाई अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हाउ या व्हाट ए से हो जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में ही रखेंगे, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी ही है ये भी। और कंजक्शन दैट लगाएंगे भैया, हाउ या व्हाट ए को वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। अब आते हैं बच्चों डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहां पर आपको दिया गया है भाई, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सीमा सेड टू मी, सीमा ने मुझसे कहा कि हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज, मतलब देखिए हाउ या व्हाट ए का मतलब यहाँ पे कितना सुंदर, कितनी सुंदर से होता है। ठीक है ना, जैसे कितना सुंदर, कितनी मतलब एक कितना से है, मतलब ये आकलन किया जाता है जैसे कि तस्वीर कितनी सुंदर है। ही सेड व्हाट, मतलब हाउ हॉट द वेदर इज, कि मौसम कितना गर्म है। हाउ या व्हाट ए का मतलब कितना कितनी से है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे ही सेड व्हाट अ लवली गार्डन इट इज, कि जो गार्डन मतलब गार्डन है कितना सुंदर है। ठीक है, तो करेंगे क्या भाई, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सीमा, ठीक है, सॉरी सीमा नहीं है भैया, समा है समा ये प्यार का। ठीक, समा, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में लिखेंगे जनाब, सी एक्सक्लेम्ड में। ठीक है, अब कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब हाउ या व्हाट ए को हमने कहा वेरी या ग्रेट, बट एक चीज ध्यान देना, ऐसे डायरेक्ट यहां पर थोड़ी ना छाप देंगे बच्चों, क्योंकि जब भी हम यहां पर कंजक्शन के बाद यहां पर हम सब्जेक्ट ही तो लिखेंगे भाई। तो याद रखना बच्चों, ये जो हाउ या व्हाट ए होगा ये अपने साथ, हाउ या व्हाट ए अपने साथ ये पीछे वाले को भी समेट लेता है। तो करता क्या है यहां पर, तो करता क्या है भाई, द पिक्चर पूरा का पूरा करता है ना भैया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट द पिक्चर, दैट द पिक्चर इज ए मार बराबर वाज बियर वाज। अब उसके बाद हाउ या व्हाट ए को हमने बताया वेरी में बदल देते हैं, पिक्चर वाज क्या हो जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो है ना आसान, कुछ भी कठिन है नहीं है, एकदम हलवा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं भैया, ही सेड हाउ हॉट द वेदर इज, यानी मौसम कितना गर्म है, तो ही लिखेंगे, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे भैया, ही एक्सक्लेम्ड, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब हाउ हॉट, हाउ के बाद ये हॉट वाला पूरा उठा लेंगे, तो पूरा भाई आपका सब्जेक्ट क्या है, द वेदर, पूरा का पूरा ये मौसम ही है तो है। ठीक, द वेदर, अब ये हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो वाज बेयर वाज। अब उसके बाद हाउ को हमने बताया कि वेरी में बदलेंगे, तो वेरी हॉट। ठीक है, इस तरह से अगला है, ही सेड व्हाट अ लवली गार्डन इट इज। ठीक है, तो क्या बनाएंगे भैया, ही सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड। ठीक है, कंजक्शन दैट, He exclaimed that। उसके बाद डायरेक्ट ये नहीं छापना, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे भाई क्या है, ये इट है। ठीक है ना, क्योंकि कह रहा है कि व्हाट ए लवली गार्डन इट इज, तो भाई इट होगा, तो इट हो जाएगा इज एम आर बराबर वाज बियर, इट वाज, फिर क्या लगाएंगे, वेरी वेरी लवली गार्डन। अब देखिएगा, आप कहेंगे कि भाई यहां तो सब जगह वेरी लगा है सर, ग्रेट कहां लगाएंगे, जब भी आ जाए जैसे हाउ फुल ही इज, वो कितना मूर्ख है, तो यहां पे बहुत मूर्ख नहीं होता है, बड़ा मूर्ख होता है कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तो वहां पर ग्रेट लगा देते हैं। ठीक है, ग्रेट फुल लगाएंगे, तो इस तरह से वहां पर चलता है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंटेलिजेंट नहीं, ग्रेट इंटेलिजेंट, इस तरह से जब आ जाता है। तो ये समझ में आ गया भाई कि जब हाउ या व्हाट ए से हो तब क्या करना है। ठीक है, अब उसके बाद, ठीक, अब जो अगला टाइप है, स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए भाई, मौका भी नहीं दिया, कर लीजिए, करना हो, ये चीज हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑप्टेटिव बोले तो इच्छात्मक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इसमें इच्छा जाहिर की जाती है, इच्छात्मक, जैसे किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, किसी को अभिशाप दिया जा सकता है,
किसी के लिए प्रार्थना की जाती है, यानी विनती वगैरह का भाव होता है, या फिर कह लें कि भाई जैसे किसी को शुभकामना विषय मतलब कर शुभकामनाएं दे रहे हो, तो ये सब भाव इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में जाहिर होता है। जैसे ये देखिए भाई लिखा है, जैसे लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में भाई इच्छा प्रार्थना, ठीक, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में इच्छा प्रार्थना शुभकामना पोषणा आदि का भाव व्यक्त हो, यानी आशीर्वाद वगैरह, तो ऐसे केसेस में जब भी इच्छा वाली बात आए बच्चों, तो इच्छा वाली बात आए भैया, तो सेड या फिर सेड टू को, सेड या सेड टू को किसमें बदल देंगे, तो विश्ड में बदल देंगे। याद रखना भाई किसमें, विश्ड में। प्रार्थना की बात आए तो सेड या सेड टू को किसमें बदलेंगे, सेड या फिर सेड टू को, जब भी प्रार्थना वाली बात आए तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, तो यहां पर हो जाएगा प्रेड, ठीक, प्रेड हो जाएगा। अब शुभकामनाएं हैं तो इसमें भी वही चलेगा, सेड या सेड टू को विश्ड में ही रखेंगे भाई, सेड या सेड टू को भैया यहां पर भी क्या करते हैं बच्चों, तो विश्ड में ही बदलते हैं, सेड या सेड टू को विश्ड में बदला जाता है। बाकी कोसना, कोसना का मतलब क्या है, किसी को अभिशाप देना, ठीक, गाली देना, ठीक, किसी को कोसा जाए, भला बुरा कहा जाए, तो ऐसे केसेस में सेड या सेड टू को किसमें बदलते हैं, कर्स्ड में, किसमें, कर्स्ड में, कर्स का मतलब होता है कोसना, कर्स्ड। ये सब चलता है, इतना याद रखना, ये चीज आपने माइंड में रख लेना भैया कि जब ये इस तरह का आए तो ऐसी चीजें होती है। अब यहां पर एक चीज आएगा भाई कि कंजक्शन क्या लगाएंगे हम, कंजक्शन क्या लगाएंगे, तो यहां पर दैट ही लगता है, कंजक्शन दैट। और इसमें एक और चीज इस्तेमाल होता है भाई, हर जगह पर आपको मे दिखाई पड़ेगा, मे, तो मे को किस में बदल देंगे, तो भाई मे को माइट में, जैसे सैल आता है सुड में बदलेंगे, विल है तो वुड में बदलेंगे, तो यहां पे मे को माइट हो गया, तो भाई मे को किस में बदलेंगे, माइट में, तो याद रखना, ठीक है, ये चीज समझ जाना। देखिए समझने वाली चीज होती है भाई, वो सेंटेंस से मालूम पड़ेगा ना कि यहां पर शुभकामना दे रहे हैं, मतलब विशेष दे रहे हैं, कि किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो तो भाई सेंटेंस में पता चलेगा। चलिए जैसे चलते हैं भाई एस, अब आपको दिशे इसमें पता चलेगा भाई कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ठीक, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक, ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, तो भाई ये प्रार्थना की जा रही है कि भाई ईश्वर, यानी कहते हैं भगवान तुम्हारा भला करे, क्या कहते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो यहां पर वही चीज हो जाएगा भाई, ही सेड या सेड टू को प्रेड, क्योंकि यहां पर भैया क्या प्रार्थना किया जा रहा है, ही प्रेड मी। अब कंजक्शन क्या है, दैट लगाएंगे, दैट, अब भी डायरेक्ट इसको नहीं बदलेंगे, पहले कर्ता देखेंगे ना, तो गॉड है, दैट गॉड हो जाएगा, गॉड मे को माइट में बदलेंगे भैया, गॉड माइट ब्लेस, अब यू को किस में बदलेंगे, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे, किसके लिए कह रहा, हमारे लिए, मेरे लिए कह रहा है, तो यहां पर मी हो जाएगा, ठीक, बस हो गया, गॉड मतलब गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक। अब उसके बाद दूसरा, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम, तुम्हारी जो आयु हो वो लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग अर्थात तुम्हारी उम्र लंबी हो, ठीक, तो ये भाई इच्छा जाहिर की जा रही है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द टीचर सिड या सेड टू को अपन बदलेंगे विश्ड में, क्योंकि यहां पर इच्छा जाहिर की जा रही है, द टीचर विश्ड मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे बच्चों, तो दैट, कंजक्शन क्या हो जाएगा भाई, संयोजक दैट। अब यहां पर भाई मे को माइंड बदलेंगे, बट उसके पहले ये करता देखें कि क्यू, तुम्हारी उम्र, किसके लिए कह रहा, मेरे लिए, तो क्या हो जाएगा, दैट आई मे को माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, यानी मेरी उम्र क्या हो, लंबी हो। अगला, ए बेगर सेड टू हिम, एक भिखारी ने उससे कहा, मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ, यानी तुम भाड़ में जाओ, कहते ना यार भाड़ में जाओ, ठीक, तुम नरक में जाओ, तो यहां पर अच्छी बात तो कही नहीं जा रही भाई, शुभकामना तो दिया नहीं जा रहा है, तो होगा क्या कि ए बेगर, यानी एक भिखारी ने कहा, उससे कहा, तो ए बेगर सेड या सेड टू को कर्स्ड में, बताया ना भाई भाव के अनुसार बदलेगा बच्चों, कि ए बेगर कर्स्ड हिम, एक भिखारी ने उसे कोसा, दैट, अब यहां पर भाई उसे कोसा, किसमें, उसे, यानी उस लड़के को, तो उसे भाई हिम है, तो यहां पर वो हो जाएगा ही, मे को किसमें, माइट में,
ही माइट, अब उसके बाद गो टू हेल, ही माइट गो टू हेल कि वो नर्क में जाए। तो इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है ना, मतलब बड़ा ही आसान होता है भैया, इसमें कोई भी दिक्कत ना होनी चाहिए। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। पहला तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला ऐसा हो गया, ठीक है, हमने उसके बाद ये चीज बताया। फिर उसके बाद आपको ये ऑपरेटिव सेंटेंस वाला जो भी बताया है, ठीक, अब उसके बाद ये चीज हो गया और यहां पर थोड़ा ये चीज बताया गया था, ठीक है। अब एक और आता है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं भाई, एक और आता है भैया, चलिए उसको समझते हैं। जब भी, याद रखना, जब भी मतलब कोई आपको जैसे कोई विश किया जाए, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ये शब्द आ जाए तब क्या करेंगे, लाइक दैट डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू समझते हैं भैया। जैसे हम कह दे रहे हैं यहां पर, जैसे हम बोल दिए भाई कि राम ने कहा उसके बाद यहां पर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मतलब ऐसा आ गया, ठीक है, इस तरह से आ जाए। अब उसके बाद इसको अब बनाएंगे कैसे, जैसे एक और ले लेते हैं भाई, एक और ले लेते हैं भैया। अब देखिए, जैसे ये हो गया, अगला है जैसे कि ही सेड, जिसे कहा जाए कि यहां पर जैसे आ जाए कि भाई हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ठीक। तो इस तरह से अगर आ जाए, इस तरह से आशिकी का असर छोड़ जाएंगे, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाएंगे, तो भाई इस तरह से अगर आ जाए करेंगे क्या भैया, कुछ नहीं करना। इसमें भी सब में, चाहे गुड मॉर्निंग आए, गुड आफ्टरनून आए, गुड नाइट आए, हैप्पी बर्थडे आए, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आए, कुछ भी आ जाए शुभकामनाएं वाली बात, तो भैया सिड या सिड टू को विश्ड में बदल देना आंख मूंद कर। तो राम विश्ड। और एक चीज याद रखना भाई, इनमें होता क्या है, तो इनमें जो कंजक्शन होता है, कंजक्शन नहीं लगाते, ये भी याद रखना, इसमें कंजक्शन का प्रयोग होगा ही नहीं भैया। तो राम विश्ड, उसके बाद डायरेक्टली गुड मॉर्निंग, राम विश्ड गुड मॉर्निंग, ठीक है, राम विश्ड हो जाएगा उसके बाद, एक मिनट भाई, गुड मॉर्निंग। तो ये चीज ध्यान देना। अगला जैसे ये है कि ही सेड हैप्पी बर्थडे, तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड हो गया, और उसके बाद दैट वगैरह कुछ लगाना ही नहीं है, डायरेक्टली हैप्पी बर्थडे। तो इस तरह से होना है भैया, इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो ये आपका मतलब समझो एक्सक्लेमेटरी के रूप में है, मतलब जैसे आप ऑप्टेटिव वाले में आता है, एक्सक्लेमेटरी नहीं, ऑप्टेटिव वाले में आता है। तो ये एक तरीका हो गया। एक तरीका इसमें और पूछता है, अब वो तरीका कौन सा है, तो चलिए उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, कंजक्शन नहीं लगाते हैं, याद हो गया ना इतना। अब एक तरीके से और आता है भैया, वो तरीका भी समझ लेते हैं, क्योंकि मेरे रसगुल्लों का कोई भी टॉपिक ना छूटे, हमारी यही कोशिश होती है। जैसे आ गया कि सी सेड आ गया भैया थैंक यू, ऐसा आ जाए कि सी सेड थैंक यू, ठीक है, तब इसका कैसे बनेगा भाई, इसका कैसे बनेगा बताइएगा, किसी को है मालूम? जैसे एक और ले लेते हैं कि ही सेड कंग्रेचुलेशन, ये शब्द आ जाए, ठीक है, तब क्या करेंगे भाई। अभी तक तो मतलब हमने बताया कि जब भी इस तरह से आए कोई विशेष वगैरह, तो आप डायरेक्टली ऐसे कर दोगे, कंजक्शन नहीं लगाओगे। बट अगर ये चीज आ जाए, थैंक यू आ गया, कंग्रेचुलेशन आ गया, तब क्या करना है, ये और भी ज्यादा आसान है। इसमें सेड या सेड टू को ये जो कुछ रहता है उसी के अकॉर्डिंग बदल देते हैं, यानी उसी का थर्ड फॉर्म कर देंगे भाई, क्योंकि ये वर्ब के रूप में यूं समझिए है। कैसे, जैसे सी सेड है तो क्या लिखेंगे, सी, अब यहां पे थैंक यू है तो सेड या सेड टू को थैंक्ड में बदल देंगे, तो सी थैंक्ड,
किसके लिए कह रहा है कि सी सेड, उसने कहा थैंक यू, ठीक, तो मेरे लिए कह रहा है अभी सामने में से मैं ही हूं, ठीक, कोई भी है, तो यहां पर सी थैंक्ड मी हो गया, भाई ये हो गया, ठीक। उसके बाद जैसे कि सी ही सेड कंग्रेचुलेशन, तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा ही, हमने बताया ना इसी को वर्ब की तरह यूज करेंगे, तो यहां पर ही कंग्रेचुलेटेड, ही कंग्रेचुलेटेड, बस हो गया खत्म। सेड या सेड टू को मतलब यही वाला जो होता है वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर देते हैं, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि विस्ट लगाएंगे, नहीं भैया, कि आ गया इस तरह से तो सी थैंक्ड हो गया, उसके बाद यहां पर कंग्रेचुलेशन तो कंग्रेचुलेटेड, बस हो गया। तो इस तरीके से बनाया जाता है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव में, अगर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में इस तरह से आ जाए नरेशन, आसान है ना। आई होप कि आज की ये क्लास आपके लिए और भी ज़्यादा मज़ेदार रही होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कॉमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।